Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free till 31st March 2017. तो भाइयों कैसे हैं आप लोग। तो आज मिस्टर अंबानी ने 2 बजे जियो के बारे में कुछ नई चीज़ें अनाउंस की, तो आपके जो मतलब की चीज़ें हैं वो क्विकली मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि मोस्टली जो रिलायंस के आउटलेट्स हैं उनमें लगभग सभी में KYC एक्टिवेशन सिस्टम आ गया है, जिससे कि आप आधार कार्ड दिखा के 5 मिनट के अंदर अंदर अपना सिम एक्टिवेट करा सकते हैं। एंड करेंटली 2 लाख आउटलेट्स हैं, अब 4 लाख आउटलेट्स ये लोग कह रहे हैं कि कर देंगे, विच मीन्स दुगना। तो मतलब आप लोग को सिम लेने ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, जो कि करेंटली बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी जियो की, कॉल ना लगना। मिस्टर अंबानी ने खुद ही बताया कि 3 लार्जेस्ट जो कॉम्पिटिटर्स थे वो इंटरकनेक्टिंग पोल्स नहीं दे रहे थे, इसी वजह से 900 करोड़ कॉल्स ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एंड ट्राई, दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व। अब से मोस्ट प्रोबेबली कॉल में एरर्स नहीं आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देम। एंड थर्ड जो अनाउंसमेंट थी कि अब से जियो में MNP स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आप अपना सिम जियो पे पोर्ट करा सकते हैं। एंड अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है सिम लेने जाने का, तो जियो खुद घर पे आपके होम डिलीवरी करवाएगा सिम की, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड फोर्थ अनाउंसमेंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग हमारी बात सुन रहे हैं, ये लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 92% लोग अच्छी स्पीड इन्जॉय कर रहे हैं। बट 92% तो नहीं मैं कह सकता, बहुत ही कम ही लोग शायद अच्छी स्पीड इन्जॉय कर रहे हैं हमारे एरिया में तो। एंड दे आर सेइंग कि 8% लोग को नॉर्मल स्पीड नहीं प्रोवाइड हो रही ड्यू टू हाई नंबर ऑफ यूज़र्स। उन टावर्स पे बहुत ही ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं, तो ये लोग कंजेशन कम करेंगे उन टावर्स से। कैसे करेंगे ये मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। एंड फिफ्थ जो सबसे बढ़िया अनाउंसमेंट थी हम फोकट के यूज़र्स के लिए, कि जियो का ऑफ़र 31st मार्च 2017 तक एक्सटेंड हो चुका है, बट ओनली फॉर द यूज़र्स जो 4th दिसंबर से जो सिम खरीदेंगे, जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनका ऑटोमेटिकली 1st जनवरी को ट्रांसफ़र हो जाएगा इस ऑफ़र पे। इस ऑफ़र का नाम है हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र, मतलब आपका वेलकम प्लान 31st दिसंबर ख़त्म होगा, 1st जनवरी को ऑटोमेटिकली हैप्पी न्यू ऑफ़र पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लान। बस इस हैप्पी न्यू ईयर प्लान में एक चीज़ और कम हो जाएगी, वो है अपना पर डे डाटा यूजेज लिमिट। ये 4 GB से अब 1 GB हो जाएगी, ताकि पर यूज़र स्पीड थोड़ी अच्छी आ सके। ये था इनका प्लान भीड़ कम करने का। बाकी वीडियो कॉलिंग, कॉलिंग, SMS एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू एप्स सब सेम रहेगा। एंड उन्होंने थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया नरेंद्र मोदी को उनके बिग मूव के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है जियो मनी के लिए, जो कि एक अलग ही किस्म का वॉलेट है। मतलब पेमेंट वैसे ही होंगे, बट इस वॉलेट से आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये लोग आप लोग को ATMs प्रोवाइड करेंगे। सीरियसली ATMs, जो कि आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक UDO। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि आप लोग को इस वॉलेट में डालने के लिए किसी बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं कराना पड़ेगा। आप लोग जियो मनी के आउटलेट में जाइए, वहाँ पर पैसे दीजिए, वो कैश आपका डिजिटल कैश में कन्वर्ट कर देंगे, विच इज़ गुड, रियली गुड। एंड इससे आप लोग कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स का बिल पेमेंट कर सकते हैं, अपना लैंडलाइन बिल, ब्रॉडबैंड बिल, सिम रिचार्ज वगैरह वगैरह। एंड IRCTC की टिकट्स भी आप इससे बुक कर सकते हैं, एंड बस की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, जस्ट लाइक PayTM, बट समथिंग न्यू। तो ये थी अनाउंसमेंट जियो के बारे में बाय मिस्टर अंबानी, जिसने मुझे थोड़ा और खुश कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करने के लिए फेसबुक का लिंक मैंने नीचे दे के रखा है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। टिल देन, टाटा।